tube deep flow. देखो कितना भयंकर जंगल है यहाँ। जय हो देवी भैया। आगे पीछे कोई भी नहीं है हमारे घने जंगल के बीच में हम दोनों अकेले। जंगल में मंगल। अगर भागा जाएगा तो आगे सारे लोग फिर क्या करेंगे? आएगा तो आएगा फिर। इंट्रो बाद में दे रही हूँ, इसके लिए सॉरी चाहती हूँ आप लोगों से, क्योंकि पहले मैंने वाली वीडियो एडिटिंग कर दी है और अभी हम यहाँ पे जा रहे हैं एक छोटी सी यात्रा पे। कहाँ जा रहे हैं ये हम आपको बाद में बताएंगे। ये देखो यहाँ पर कितना जाम लगा है, पहाड़ के लिए गाड़ियाँ जा रही है यहाँ पे और बहुत जाम लगा है पहाड़ की यात्रा के लिए। लोगों की यहाँ पे बहुत सारा जाम लगा है, पता नहीं आज दूसरे लोगों का शायद कोई त्यौहार है, कुछ है शायद यहाँ पे दूसरे समुदाय वालों का, इसलिए यहाँ पे जाम भी लगा हुआ है। पूरी सड़क घेर रखी है इन लोगों ने, पुलिस भी लगी हुई है। तो आगे का नज़ारा देखे कितना प्यारा लग रहा है। हम जा रहे हैं अभी पहाड़ की गोद में। देखो ये यहाँ पे है गोला नदी, गोला पार कर रहे हैं हम, ये हल्द्वानी की और गोला पार को जोड़ने वाले पुल है। इस पुल को क्रॉस करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे गोला में बहुत बड़ा डैम भी है, यहाँ से पूरे हल्द्वानी में पानी सप्लाई होता है। देख लीजिए ऊपर रोड की कटिंग भी जारी है पहाड़ों में। अच्छा व्यू आ रहा है आगे, थोड़ा शूट कर लेती हूँ। साफ सुथरा मौसम, साफ सुथरा माहौल, वातावरण साफ, हवा पानी बहुत ही अच्छा लग रहा था। जय माँ काली चौड़ का प्रवेश द्वार, अब हम इसके अंदर प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ से प्रवेश करते ही अब थोड़ा आगे से बहुत ज़्यादा कच्ची सड़क मिलेगी हमें। आगे को सड़क की हालत बहुत मतलब खतरनाक बनी हुई है। हम लोग आगे दिखाएंगे आपको रोड की हालत कैसी हो रखी है, इसीलिए हम फोर व्हीलर नहीं लाए और स्कूटी निकालना मुश्किल हो रहा है यहाँ, कहाँ तो फोर व्हीलर। लेकिन हरे भरे जंगलों के बीच में बहुत सुंदर नज़ारे दिख रहे हैं, बहुत बहुत शुद्ध साफ हवा पानी, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ का व्यू। इसलिए वीडियो बनाना बहुत अच्छा लगा मुझे और वीडियो बनाई मैंने।
देख लीजिए आगे सड़क की हालत, जगह जगह पे टूटी हुई है, जगह जगह पे टूटी हुई है। भाई मंदिर तक नहीं जाएगा क्या? जाती है पैदल आएगी तुम, निकाल देते हैं। हम पहुंच गए हैं दूर पहाड़ियों के बीच में, यहाँ देवी सुरकंडा का मंदिर है। मंदिर के नज़दीक पहुंचने ही वाले हैं हम। देखो कितनी पहाड़ी के घने जंगलों के बीच में ये मंदिर है, कच्ची रोड भी है यहाँ, इसीलिए ये यहाँ पर स्कूटी निकालना ही मुश्किल हो रहा है। ये स्कूटी निकाल रहे हैं मेरे श्रीमान जी और मैं उतर गई हूँ। गाड़ी फोर व्हीलर लाने का यही मकसद था यहाँ की, हमें पता था गाड़ी रोड कच्ची है यहाँ, चारों तरफ घने जंगलों के बीच में यहाँ बेशबसा है देवी का मंदिर। फंस गई यार, इधर ही रहने देते ना गाड़ी। जूते वूते भी खोल दिए हैं। तो जैसे तैसे हमने नाला पार कर लिया है उतर के, और स्कूटी में फंस गई थी बीच में बड़ी मुश्किल से। अब हम आगे बढ़े हैं, कच्ची रोड है यहाँ घने जंगलों के बीच में, कहीं जंगली जानवर ना हो इसका भी डर लग रहा है। यहाँ तो बाघ भी होता है। करने लायक नहीं हो रहा है, अभी एक दो आदमी भी मिल गए हैं हमें, थोड़ा हमें विश्वास मिला है कोई लोग मंदिर से आ भी रहे हैं। देखो कैसी रोड है यहाँ, ये गाड़ी निकालनी मुश्किल है। जय माता दी। उछल कूद करते हुए थक गई पीछे से। देखो कितना बड़ा नाला है यहाँ, बाप रे बरसात में कितना भयंकर होता होगा यहाँ, बहुत खतरनाक जगह है यहाँ तो। मैं उतर गई हूँ स्कूटी से, डर लग रही है मुझे स्कूटी में चलने चलने बैठने में। पता नहीं कहाँ को है अब, यहाँ आगे को है क्या गाड़ी? ये बड़ी रहने दो, ये बड़ी रहने दो, गाड़ी कैसे ले जाओगे आगे? देखो रहने दो, रहने दो, जिद मत करो। पहुँचने वाले हैं अपनी मंजिल तक, और यहाँ से आगे की वीडियो हम आपको अगले ब्लॉग में दिखाएंगे, क्योंकि बहुत लॉन्ग वीडियो हो जा रही है। आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करेंगे, इसके लिए आप लोगों से सॉरी चाहते हैं, और आगे की यात्रा का वीडियो हम अगली वीडियो में आपको ज़रूर दिखाएंगे, अगले ब्लॉग में आएगी। इसके लिए यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और अगला वीडियो भी ज़रूर देखिएगा।